नन्हा फनकार पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। तो आइए बच्चों देखते हैं, पहला शब्द है फनकार। बच्चों फनकार का अर्थ होता है कलाकार, फनकार का अर्थ होता है कलाकार। अगला शब्द है नफीस। नफीस का मतलब होता है सुंदर, क्योंकि हम बोलते बहुत नफीस है अर्थात सुंदर। मुआयना, मुआयना का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जांच करना। पुश्तैनी, पुश्तैनी का मतलब होता है खानदानी, पुश्तैनी का क्या मतलब होता है खानदानी। सल्तनत, सल्तनत का मतलब होता है जो साम्राज्य, सल्तनत का मतलब क्या होता है साम्राज्य। कतार, कतार का अर्थ होता है पंख लाइन। वयस, वयस का मतलब सयाना युवक, जैसे आप अभी बच्चे हो अभी बड़े हो जाओगे वयस्क हो जाओगे। तो बच्चों इस प्रकार से शब्दों के अर्थ समझ में आ गए। बहुत अच्छे शब्द है बच्चों आहट, आहट का मतलब होता है आवाज। उलझन, उलझन का मतलब होता है बच्चों परेशानी। बदहवास, बदहवास का मतलब होता है घबराहट। उकेरना, उकेरना का अर्थ होता है नक्काशी करना, नक्काशी करना। गुदगुदाना, गुदगुदाने का मतलब होता है अस्पष्ट बोलना या धीरे से बोलना कि जिसे सुनाई न दे अस्पष्ट। सिकोड़ना, सिकोड़ने का मतलब होता है छोटा कर देना, कोई बड़ी चीज को छोटा कर देना सिकोड़ना। बेशक, बेशक का मतलब होता है बिना शक ये। मंझोला, मंझोला का अर्थ होता है बच्चों बीच का, ना छोटा ना बड़ा बीच का, उसे कहते हैं हम मझोला। तो बच्चों ये सभी शब्द समझ में आ गए, इनके बहुत ही आसान अर्थ है और इनको अच्छे से तैयार करें। बच्चों विलोम शब्द, विलोम शब्द की परिभाषा है किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे मुश्किल, मुश्किल का विलोम शब्द है आसान। पास का विलोम शब्द है दूर। दौड़कर का विलोम शब्द है चलकर। सलाम का विलोम शब्द है धिक्कार। नरम, नरम का विलोम शब्द है गरम। सहमति का विलोम शब्द है असहमत। कोयला का विलोम शब्द है हीरा। साधु का विलोम शब्द है दुष्ट। बच्चों इसको अच्छी प्रकार से याद कर ले और अपनी कॉपी में उतार। वचन बदलो, कुछ शब्द दिए गए हैं इनका वचन बदल करके लिखना, एक वचन से बहुवचन। पहला शब्द है पत्थर, पत्थर का बहुवचन शब्द होता है पत्थरों। हथौड़ा, हथौड़ा का बहुवचन शब्द होता है हथौड़े। घंटी, घंटी का बहुवचन शब्द होता है घंटियां। मोती, मोती का बहुवचन शब्द होता है मोतियां। अंगूठी, अंगूठी का बहुवचन शब्द होता है अंगूठियां, अंगूठियां। पहरेदार का बहुवचन शब्द है पहरेदारों। कारखाना, कारखाना का बहुवचन शब्द होता है कारखाने। लड़का, लड़का का बहुवचन शब्द है लड़के। सभी समझ में आ गए बच्चों? बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है किसे क्या कहते हैं। तो बच्चों किसे क्या कहते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट, कपड़े पर बेल बूटे बनाने वाला, कपड़े पर बेल बूटे बनाने वाले को बच्चों क्या कहते हैं। तो बच्चों इसे एक शब्द में कहते हैं कसीदाकार। क्या कहते हैं? कसीदाकार। सेकेंड, कागज पर चित्र बनाने वाला, जो कागज पर चित्र बनाता है उसे क्या कहते हैं? चित्रकार। थर्ड, पत्थर पर बेल बूटे बनाने वाला, पत्थर पर बेल बूटे बनाने वाले को कहते हैं नक्काश। फोर, रंग बिरंगे शीशे या सितारे का काम करने वाला, इसको एक शब्द में कहते हैं संगतवास।
जिसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाना। तो ये तो समझ गए समझो, बहुत अच्छे बच्चों। पाठ में आए हुए कुछ शब्द, दिए गए शब्दों का वाक में प्रयोग करो। इधर पाठ में आए हुए कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हम अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस शब्द का हम वाक बनाते हैं, वाक बनाते समय उस शब्द को आना जरूरी है। पहला शब्द है विश्वास। हमने इसका एक सरल सा वाक बनाया है, मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है। मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है, छोटा सा सरल वाक्य है बच्चों। दूसरा शब्द है मुश्किल। पहाड़ पर ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल है, आप जानते हो पहाड़ों पर ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये भी एक सरल वाक्य है और सही भी है। शिल्पकार, केशव के पिता शिल्पकार है, जैसे कि पाठ में बताया गया है, हमने वहीं से लिया है, केशव के पिता शिल्पकार है। प्रार्थना, भगवान मेरी प्रार्थना सुन लो, कभी कभी कहते भगवान मेरी प्रार्थना सुन लो, तो एक सरल सवाल बन गया। पंखा, एक दिन तुम अच्छा पंखा करोगे, एक दिन तुम अच्छा पंखा करोगे या एक दिन अच्छे पंखा करोगे। तो बच्चों ये वाक्य बनाना हुआ गया, सब दे दिए जाते हैं और उनसे सरल वाक्य बनाना होता है, उस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। तो आज में आए हुए कुछ विशेषण शब्द हैं जिनको आपको लिखना है, मैंने कुछ शब्दों को छाट कर लिखा है। पहला शब्द है लाल, चौकोर, जल्दी, धीरे, सीधी, सुंदर, छोटे, सफेद, तेज, हाफते, नरम, संदेह, आहिस्ता, बढ़िया और चमक। बच्चों ये इस पाठ में आए हुए विशेषण शब्द हैं, इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में उतारो। पाठ में आए हुए कुछ नुक्ता वाले शब्द जिनको हमको पाठ से छाट करके खोज करके लिखना है। तो आइए बच्चों देखते हैं, पहला शब्द है लड़का, खड़खड़, हथौड़ा,